नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं सुधाकर सिंह की। जी हां, सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के बेटे, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के। उनके बेटे सुधाकर सिंह, पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह, जो अब मंत्री पद से हट चुके हैं, पिछले दिनों विवाद का कारण बने थे। विवाद हुआ था, दरअसल उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप कहे थे, और अधिकारियों को निकम्मा कहा था और कहा था कि सरकार में जो अधिकारी बैठे हैं वो काम नहीं करते हैं। एक बार फिर सुधाकर सिंह अपनी उसी अंदाज में नजर आए हैं। एक बार फिर सुधाकर सिंह ने उसी तरह की बातें कही हैं जो वो पहले कहते नजर आ रहे थे। अधिकारियों को एक बार फिर उन्होंने निकम्मा बताया है और सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। क्या कुछ कह रहे हैं सुधाकर सिंह, सुन लीजिए जरा। ये जीएम सीट पर भी मेरा सवाल रहेगा, बिहार में मंडी कानून पर भी मेरा सवाल रहेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर मल्टीपल एजेंसी खरीद करे यह भी सवाल होगा। तो क्या इन सभी मामलों पर पार्टी गाइडलाइन से बाहर भी जा सकते हैं सदन के अंदर? जी, आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि यह सभी तथ्य पार्टी लाइन के भीतर हैं, और जब यह पार्टी लाइन के भीतर है तो पार्टी मेरे से इस विषय पर चर्चा करेगी जरूरत होगा तो, और मैं भी पार्टी से चर्चा करूंगा जरूरत होगा। ठीक ठीक, तो सुन लिया आपने कि सुधाकर सिंह जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, इसी सरकार में मंत्री थे, कृषि मंत्री बनाए गए थे, और उस वक्त उन्होंने अपने ही विभाग के अधिकारियों पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे, कई तरह के घोटालों की बात कह दी थी, कई तरह की अनियमितताओं की बात कही थी और अधिकारियों को निकम्मा तक करार दे दिया था। तो अब ऐसे में सुधाकर सिंह एक बार फिर सामने आए हैं। सुधाकर सिंह आरजेडी के नेता हैं, जगदानंद सिंह के बेटे हैं, और इसी बात पर उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, जिस तरह की बातें आई थी सामने, उसके बाद काफ़ी विवाद मचा था। लेकिन शायद सुधाकर सिंह अपने उस स्टैंड पर कायम है, और कहीं ना कहीं उनके पिता जगदानंद सिंह, जो कहीं जिस तरह से अभी फिलहाल वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन महीनों से प्रदेश कार्यालय भी नहीं गए हैं, घर में हैं वो अपने। तो ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जगदानंद सिंह आगे कौन सा कदम उठाएंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष तक की भी तलाश शुरू हो गई है। ऐसे में फिर से एक बार सुधाकर सिंह ने जो बातें कही हैं और सीएम नीतीश को पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने जीएम सरसों का मुद्दा उठाया है और कहा है कि बांझ बीजों के जरिए बिहार में उत्पादन की कोशिश की जा रही है। गंभीर बातें उन्होंने कह दी है। तो एक बार फिर बिहार सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है उन्होंने, बिहार सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर दिया है उन्होंने, और सरकार जो काम कर रही है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि सरसों तेल का उत्पादन करना चाहती है सरकार, लेकिन बांझ बीजों के जरिए ये उत्पादन किया जा रहा है, यानी एक बार फिर से उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है कि बिहार सरकार कैसे उत्पादन करेगी। तो ऐसे में कृषि विभाग का ही ये मामला है, और कृषि विभाग के अधिकारियों पर फिर एक बार सुधाकर सिंह, जो आरजेडी के कद्दावर नेता के बेटे भी हैं और पूर्व में खुद मंत्री भी रह चुके हैं, ने एक बार फिर से बिहार की नीतीश सरकार को, या यूं कहें कि नीतीश और तेजस्वी की सरकार को, कटघरे में खड़ा कर दिया है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।